हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सूरजपुर में स्थापित की गई माँ दुर्गा की चार पंडालों पर चलेंगे और देखेंगे दोस्तों कैसा नजारा रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सूरजपुर में। तो दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में और सूरजपुर जिला का नेशनल हाईवे 43 का नजारा आप लोग देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आप लोग को आज मैं सूरजपुर के चार दुर्गा पंडालों में लेकर चलूंगा और माँ दुर्गा के दर्शन करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं सूरजपुर में और अभी मैं भैया खान रोड में हूं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये दुर्गा पंडाल का डेकोरेशन किया गया है। यहीं से आगे चलते हैं और यहां पर जो माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है उसका दर्शन करेंगे। और दोस्तों, आपको मैं यहाँ का नज़ारा पूरा दिखाने वाला हूँ कि कैसा यहाँ का डेकोरेशन किया गया है और कैसा यहाँ का पंडाल है। तो आप लोग बने रहेगा वीडियो में। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये दोस्तों सड़क पे डेकोरेशन किया गया है और सड़क के दोनों साइड आप लोग को लाल कलर के झंडे दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो पंडाल को कुछ इस तरह से सजाया गया है। अभी चलते हैं अंदर और माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो गेट में पूरा फूलों से सजाया गया है और अभी अंदर प्रवेश करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर जूता उतार देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पंडाल का नज़ारा कुछ इस तरह से है और लेफ्ट साइड देख सकते हो इधर और इधर राइट साइड में। चलिए पहले माँ दुर्गा का दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ के और नज़ारे दिखाऊंगा। देख सकते हो दोस्तों, सूरजपुर भैया खान रोड में जो माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है उसका नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। जय माता दी। दोस्तों, पंडाल का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, छोटा पंडाल है लेकिन खूबसूरत पंडाल है। गुब्बारों से और फूलों से सजाया गया है पूरा पंडाल को। इधर देखिए पूरा। दोस्तों, आप लोग को दिखाता हूँ समिति के जो सदस्य हैं इधर प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए, इधर रात्रिकालीन प्रसाद की व्यवस्था के लिए समिति की टीम जुटी हुई है। देखिए, पंडाल को और खूबसूरत बनाने के लिए भैया फूलों से सजा रहे हैं इसको और उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इधर गुलदस्ते आप लोग देख सकते हो और इधर भी पंडाल को फूलों से सजाया जा रहा है। और दोस्तों, पंडाल से बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, ये भैया खान रोड है। तो दोस्तों, यहाँ पर माता रानी का दर्शन कर लिए हैं और यहाँ से कुछ दूर पर और चलते हैं, एक और पंडाल बनाया गया है भैया खान रोड में। तो वहाँ भी दर्शन करते हैं माता दुर्गा की और कैसा है वहाँ का नज़ारा और कैसा पंडाल को सजाया गया है वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ माँ शारदे सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नमतगिरी रोड सूरजपुर में। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ नमतगिरी रोड सूरजपुर में। यहाँ भी एक पंडाल बनाया गया है, चलिए माता रानी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए पंडाल है नमतगिरी रोड सूरजपुर। तो ये देखिए माँ शारदे सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति और ये एंट्री गेट है, इसे फूलों से सजाया गया है। चलिए चलते हैं अंदर और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो ये पंडाल का नज़ारा कुछ इस प्रकार से, छोटा पंडाल है लेकिन इसको खूबसूरत डेकोरेट किया गया है। अंदर चलते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जय माता दी। ये देखिए, ये थोड़ा यूनिक माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई यहाँ पर और इस पंडाल का चारों ओर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्थापित की गई माँ दुर्गा का दर्शन कर लिया हूँ और चलते हैं नेक्स्ट पंडाल में। तो अभी मैं आ गया हूँ सूरजपुर केतका रोड में और यहाँ पर भी एक भव्य पंडाल बनाया गया है जहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है। तो चलिए दर्शन करते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं। तो ये देखिए सड़क और ये पंडाल का गेट है, यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। तो ये गेट है और पंडाल का मेन गेट इधर बनाया गया है। तो अभी अंदर चलेंगे पंडाल के और कैंपस को आप लोग देख सकते हो किस तरह से सजाया गया है। और आप लोग ये देखिए, सूरजपुर माँ शेरावाली पूजा समिति की ओर से यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है उसका पंडाल आप लोग देख सकते हो।
बहुत खूबसूरत नजारा है और प्यारा इस पंडाल को सजाया गया है। तो अब चलिए दोस्तों पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं और माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों पंडाल का जो मेन गेट है उसको फूलों से सजाया गया है। अंदर चलते हैं और आपको दिखाई दे रही होगी माँ दुर्गा की स्थापित की गई मूर्ति। तो चलिए चलते हैं अंदर और आप लोग को दर्शन कराता हूँ। जय माता दी। ये देखिए बहुत सारे श्रद्धालुगण यहाँ पर माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का यहाँ का मूर्ति है। और दोस्तों यहाँ का पंडाल देखिए प्यारा सजाया गया है। ये पूरा पंडाल का नज़ारा है। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर स्थापित की गई माँ दुर्गा के दर्शन हम लोग कर लिए हैं और चलते हैं दूसरे पंडाल में। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ दुर्गा बाड़ी मंदिर पारा रोड सूरजपुर। यहाँ पर जो माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है उसका आप लोग को दर्शन कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों श्री नवयुवा जागृति मंच दुर्गा बाड़ी मंदिर पारा सूरजपुर का दुर्गा पंडाल का नजारा कुछ इस तरह से है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और आप लोग देख सकते हो एंट्री गेट को फूलों से सजाया गया है और चलिए माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो स्थापित की गई है माँ दुर्गा की प्रतिमा उसका नज़ारा कुछ इस तरह से है। जय माता दी। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। चलिए दर्शन करते हैं पास से। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो माँ दुर्गा की जो मूर्ति स्थापित की गई है उसका नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों मैं अभी तक सूरजपुर में चार दुर्गा पंडालों में गया और ये थोड़ा सा अलग है, यूनिक है। और यहाँ पर जो दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित की गई है थोड़ा सा यूनिक है और हटके है। और दोस्तों यहाँ का जो पंडाल है उसका चारों ओर का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, काफी खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इसको सजाया गया है। और साइड साइड में आप लोग देख सकते हो दुकानें लगी हुई है। तो दोस्तों सूरजपुर में स्थापित की गई माँ दुर्गा की अभी चार पंडालों का मैं दर्शन किया और सभी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर जो माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है वो थोड़ा सा हट के है, अलग है। तो ठीक है दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने सूरजपुर में स्थापित की गई माँ दुर्गा दर्शन किया होगा। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।